सारे भाइयों भाई राम राम। मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज पे आपका स्वागत करता हूँ भाई। आज गांव में है, गांव खरक कला में और बस स्टैंड के ऊपर, और पुराना भाई को टिकट कर था उसका विश्वम्भर वाल्मीकि जी ने, जो कि बीजेपी विधायक है बुआनी खेड़ा हल्का से, उन्होंने मतलब उद्घाटन किया यहाँ का। मतलब यो एक बस स्टैंड का जो कि अड़े बस स्टॉप जो कि अंदर खड़े हो जाए उसका नया बनेगा, जो कि अड़े मतलब था नहीं, पुराना कदे होया करता परली साइड ने, वो रोड चौड़ा होया फोर लाइन, तो वो उसका रोड के अंदर आ गया था, तो अब आड़े खड़ा होने की जगह नहीं थी, तो अब इसको मतलब तोड़ के इसको बढ़िया एक अच्छा भव्य निर्माण में बदली कर दिया जाएगा, जो कि पढ़ने वाले जो भी बस स्टॉप जो बोलो तका जहाँ भी होने का नहीं बस जहाँ हैं, तो आड़े सवारी खड़ी हो उसके, तो विश्वम्भर वाल्मीकि हमारे पास मौजूद हैं, तो इनसे पूछांगे आज इस विषय में पूछांगे, पाँच सात सवाल और भी कड़वे भी करांगे, और वो दिखावांगे सारी चीज़ आपने। बने रहो किसान क्रांति न्यूज के साथ, लाइव देख रहे हो आप, और शेयर कर दियो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कर दियो, थोड़ा इसका बारे में भी पूछांगे, जो कि आज इसका जो कि नीम धरी है विश्वम्भर वाल्मीकि बीजेपी विधायक बुआनी खेड़ा हल्का, तो आज हमारे साथ हैं, इन्होंने उद्घाटन किया है, तो इसमें तो पूछांगे, लेकिन कुछ किसान का मुद्दा है उसके बारे में भी पूछांगे, आ जाओ खड़ी हो तो आ जाओ, विधायक जी हमारे साथ हैं और इनसे पूछांगे, आ जाओ थोड़ा थोड़ा साइड, तो विधायक जी लाइव चल रहे हैं, राम राम, अरे दर्शक राम राम कर दो, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार प्रणाम। तो विधायक जी जैसे आज मतलब ये पुराना टिकट घर था इसका मतलब उद्घाटन किया है, इसका बारे में बताएं। आज ये जो पुराना टिकट घर था गांव खरक कला में, और यहाँ गांव खरक कला एक जो है ऐतिहासिक गांव है, और ये जति सती का गांव है, और यहाँ बड़े दानवीर सेठ इस गांव के हैं जो कि बाहर रहते हैं कलकत्ता में, उन्होंने इस जगह पर यहाँ एक अच्छा भव्य बस स्टैंड और उसके अंदर शौचालय वगैरह की सुविधा इसमें हो जाए, तो उसका आज हमने यहाँ उद्घाटन किया है, और वो दानी सेठ हैं मांगेराम जी दक्षिणी, उन्होंने कहा है हम इसको बना करके और सरकार को दे देंगे पब्लिक के लिए, सार्वजनिक के लिए, और लोगों को जो भी यहाँ लघु शंका की है, शौचालय की है, बाथरूम की, वो सब यहाँ व्यवस्था होने वाली है। तो मतलब कितना टाइम तक तैयार हो जाएगा? आज इसका उद्घाटन किया है हम, तो बहुत जल्दी इसको जो है ऊपर लेकर के आएंगे, और एक अच्छा बस स्टैंड पर यहाँ जो है एक बस स्टैंड बने, वो हमारी भी इच्छा है। अब तक मतलब बस स्टैंड यहाँ था नहीं, तो मतलब उसी वजह से बनाया है? हाँ, बस स्टैंड भी नहीं था और यहाँ सुविधा जो है नहीं थी, कई गांव लगते हैं आसपास में, कलिंगा है, चंपड़ है, मालपोस, नीमड़ी, बामड़ा, फुलपरा, ये काफ़ी गांव सिरसा, घोगड़ा यहाँ लगते हैं, तो यहाँ ज़रूरत भी है, और इस ज़रूरत को देखते हुए शेठ जी ने ये निर्णय लिया, और हम उस शेठ जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं, उसका आभार व्यक्त करते हैं। एक दो तीन सवाल और हैं जी, इसमें तो ताली बजा दो भाई, ये तो इसका तो उद्घाटन दिया कर और बहुत जल्दी बन जाएगा, ये दो तीन सवाल हैं जी, थोड़े कड़वे सवाल हैं। एक चीज़ बताओ, जैसे किसानों का एक मतलब लठबाज रहा है इस टाइम पे, तो उसके बारे में बताओ, जो मतलब किसान आंदोलन हो रहा है किस्म पे, तो कांग्रेस ही तो नुक है, बीजेपी ने अध्यादेश लिया के मतलब सारा किसानों के ऊपर बोझ लाद दिया, सारा गलत कर दिया। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सेंटर में बनी है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने किसान की जो फसल को दोगुना करने का लक्ष्य था, उस ओर माननीय नरेंद्र मोदी जी बढ़ रहे हैं, और ये जो हरियाणा प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में किसान जो आंदोलन पर हैं, वो एक मिली भगत परिप्लान विपक्ष की साजिश है, और वो किसानों को बरगला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं उस बिलों में, वो बिल हमने तसल्ली से उसका अध्ययन किया है, उसमें कोई सी बात नहीं जो कि किसानों को नुकसान दे, और जो MSP है MSP जारी रहेगा,
और किसान की जो फसल है उसका दुगुना करने का माननीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का पुरजोर लक्ष्य है। तो विपक्ष यो भी जोर लगाओ के बोले कि लाठी चार्ज करवा दिया और किसान का मतलब सिर्फ विपक्ष का काम होता है, विपक्ष का अपना काम करना वो करते रहेंगे। हमारा काम है इस देश प्रदेश का विकास करना, हम प्रदेश और देश का विकास करते रहे। तो उनको मतलब क्या मानने, वो कांग्रेसी हैं या मतलब किसान हैं? सब हम विपक्ष के जो लोग हैं लोकसभा में हैं विधानसभा में, वही लोग जो है आज किसानों को बरगला रहे हैं, उनको भगा रहे हैं। और ये जो है आज हम भी उसके जो कांग्रेस जगह जगह धरने प्रदर्शन और किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है, हम भी आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसान माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, बिलों के समर्थन में आज हमने ट्रैक्टर यात्रा निकाली है। हम उस यात्रा को निकालने के लिए भी भिवानी हमारी ड्यूटी लगी है। कितने कितने यो तो नहीं है विधायक जी, जिस तरह के किसाना की आड़ में और सरकार जिस तरह गठबंधन है उसको तोड़ने का? ऐसा कुछ नहीं है, गठबंधन मजबूत गठबंधन है, टूटेगा नहीं। सरकार पूरे 5 साल चलेगी, प्रदेश के काम होंगे, विकास कार्य होंगे। और 72,000 मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को, हमने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी, माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 72,000 नौकरियां, ये विश्व रिकॉर्ड माननीय मनोहर लाल जी ने कायम किया इस प्रदेश में। आज तक किसी ने 5 साल में 72,000 नौकरियां नहीं लगाई, माननीय मनोहर लाल जी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार में 72,000 नौकरियां लगाई। 72,000, धन्यवाद विधायक जी। तो भाई यहाँ मतलब जैसे कि विधायक जी ने जो बताया और आपको मतलब जिस तरह किसानों के बारे में भी बताया कि किसानों के लिए तो अध्यादेश लेके आए हैं, वो बिल्कुल ठीक लेके आए हैं, लेकिन दिखावांगे किसानों का और भी। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारतवर्ष।